होगा या नहीं रहते हैं गोवा में रहते हैं तो वहाँ जहाँ कहीं भी अच्छा सेंटर हुआ कहीं पे भी ये चीज कर सकते हो, बट कोई अच्छी रेटिनल सर्जन के गाइडेंस के अंदर करने का तो चीजें महीने दो महीने रुक सकते पर दो महीने का छह महीना नहीं निकालना, छह महीने रुकेंगे तो और पथरीला हो जाएगा। अभी जल्दी बताया हमने कौन सा इंजेक्शन कौन सा देंगे और सर्जन कब देंगे? हम जो देते हैं स्टीरॉइड इंजेक्शन देते हैं, जो रेटिनल सर्जन देते हैं वो एंटी वेजेस देते हैं। हाँ एंटी वेजेस, वो एंटी वेजेस की राइट में अभी कोई मेजर नीड नहीं लग रही है सर, इसलिए इंजेक्शन जब ऑपरेशन करेंगे कैटरेक्ट उसके साथ एक छोटा स्टीरॉइड इंजेक्शन देंगे तो छोटी मोटी सूजन को कम करेगा। लेफ्ट में स्टीरॉइड इंजेक्शन काम नहीं करने वाला है, लेफ्ट में उनको एक एंटी वेजेस इंजेक्शन ही काम करने वाला है। वो एंटी वेजेप इंजेक्शन अपन इधर नहीं देते, पर जो बेस्ट काम बॉम्बे में रीजनेबल रेट्स में और बेस्ट करके देंगे उनका एक एड्रेस देंगे मैडम। तो अगर यहाँ रहो तो ये थोड़ा आपको डिसेक्टिन निकाल के रहना पड़ता, तो इसको मैनेज करते फिर रेटिना को मैनेज करते उसे गाइड किया जाता, पर यहाँ नहीं रहने वाले हो तो गोवा में जो भी कोई अच्छे रेटिनल सर्जन है उनके पास भी मैनेजमेंट। अभी हुआ था स्ट्रोक पर साल भर बाद चांसेस कम रहते तो वो दूसरा कोई मॉलिक्यूल देते, ये वैक्सीन नहीं देते कोई और मॉलिक्यूल देते, बट वो लेफ्ट में जरूरी, अपना मेन एम है अभी राइट को मैनेज करना। तो राइट में जब देंगे वो एवेक्सिन नहीं देने वाले, वो एक सिंपल ट्रायमसिनल इंजेक्शन होता है, स्टीरॉइड इंजेक्शन होता है जो कैटरेक्ट के साथ साथ कई बार देते हैं। एक बार ये हो जाता इसका भी पर्दा दिख के आता, इसमें भी पता चलता कि रेटिना में कितना डैमेज है, लेफ्ट में है, लेफ्ट में उनको बोलेगा कि बाबा इंजे अपने आप नहीं कम होने वाला है, ड्रॉप से नहीं कम, डायबिटीज कम करेंगे तो भी थोड़ा कम होगा पर अपने आप सही नहीं होने वाला है, तो मैनेज ही करना पड़ता। आपको लगता है मेरा शुगर कम करने से गोलियां लेने से अपने आप कम होगा? बिल्कुल नहीं, आइसाइन की गोली खाती है उससे कोई पॉइंट नहीं है सर, वो एक मल्टीविटामिन है उससे ये सूजन नहीं कम होने वाला। कोई ड्रॉप डालते हो कि नहीं डालते हो? कौन सा आप में कोई ड्रॉप डाल रहे हो क्या? अभी तो कुछ नहीं डालते, एक साल दस एक साल से कुछ भी नहीं डालते। उनकी आंखों में से पानी निकलता रहता उसके लिए ड्रॉप देते हो और वो पहले उड़ान में किए थे, वो बोले पहले 9 उड़ान का लेना पड़ेगा फिर 16 का फिर चश्मा बैठने नहीं वाला है सर, चश्मा कोई भी चश्मा देंगे इससे दिखने नहीं वाला है सर। कल चश्मा कौन से दिखता उनको, लेकिन कल ही गिर गया इसलिए आए, किधर गया मालूम नहीं कौन से दुकान पे रहा है, किधर गिर गया गोवा से आया एक साल हुआ मेरा चश्मे को थोड़ा कहीं पैसा नहीं करता था फिर भी एक लेफ्ट मध्ये जे काय बसते इथे प्लेनो येणार, जे काय बसते लेफ्ट मध्ये ते घेऊन द्यायचं दाखवायचं, राईट आय अंडर एक्सट्रीम जीबीपी फॉर डीआर टोल 10 times आणि जर इथे राहणार असेल तर राईट कॅटरॅक्ट होता आयबीटी होणार अंडर एक्सट्रीम जीबीपी त्याच्यानंतर वी आर ओपिनियन होणार सुनो, आणि इथे नाही राहणार असेल तर गोवामध्ये जसं ते मॅनेज करतात ते होऊ शकतात, आणि हे लेफ्ट मध्ये जे काय बसते ते मला लिहून दाखवणार वॉटरिंगसाठी प्लेन सिम्पल सिप्लॉग द्या। अच्छा ही होगा अगर गोवा में रहते हो और इधर रहने का सोई नहीं है इधर, तो फिर गोवा से इधर रहना जरूरी नहीं है आठ दस दिन सर, ये आठ दस दिन का मसला नहीं, अपने को ये समझ रहा है कि अपना पर्दा सिंपल नहीं है, 100 पैसा नहीं है, अपने पर्दे में शुगर के चेंजेस है, पर ये इलाज कभी भी वन टाइम इलाज नहीं होता, आज इंजेक्शन दिया हमेशा के लिए सही हो गए वो नहीं होता, वापस कुछ साल बाद सूजन आएगी, कुछ महीने बाद सूजन आएगी तो वापस मैनेज करना पड़ता। तो हर बार गोवा से बॉम्बे आने वाले हैं क्या, तो वहाँ कहीं अच्छा सेंटर हो तो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि वहाँ फॉलो अप किया जाए।
अगर आपका एम है कि मैं सिर्फ कैटरेक्ट सर्जरी के लिए इधर आ रहा हूँ तो हो सकता है. डॉक्टर टोल्ड टू फर्स्ट टेक दैट इंजेक्शन. नो, फर्स्ट इंजेक्शन इज ऑफ 9000 एंड अदर इज 1660 एंड अनदर इज ऑफ 40. लाइक यू हैव अ फाइल विद यू? डू यू हैव अ फाइल दैट ही हैड गिवन? माय मदर मेड मी. सो प्लीज गेट दैट सर. यू हैव इट हियर, प्लीज गेट दैट विद यू. आई डिडंट ड्रॉप दैट सिटी स्कैन. नो, यू हैव द फाइल. यू हैव इट विद यू राइट नाउ. प्लीज गेट इट. राइट दैट कैटरेक्ट. आई लेके आऊंगा पानी के.